हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के चीन कनेक्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या चीन ने हिंडनबर्ग के जरिए अडानी समूह को टारगेट किया और क्या चीन इसके पीछे चीन की बड़ी राजनीतिक ताकत काम कर रही है। ये तमाम सवाल सबके जहन में है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के चीन कनेक्शन को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब कहानी ये सामने आ रही है कि चीन ने एक बड़ी साजिश के तहत हिंडनबर्ग के जरिए अदानी समूह को टारगेट किया। वरिष्ठ वकील और सांसद महेश जेठमलानी का तो ये भी आरोप है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए चीन ने अदानी समूह से बदला लिया। हाइफा जैसे बड़े प्रोजेक्ट के हाथ से निकलने के बाद चीन अदानी समूह से खार खाए बैठा था और इसलिए चीन ने अदानी समूह को बड़ी चोट पहुंचाने के लिए गहरी साजिश रची और इसके लिए हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट बनाई गई। महेश जेठमलानी ने चीन की इस साजिश को लेकर प्रभावशाली राजनेताओं पर भी निशाना साधा। अब जब ये बात सामने आ चुकी है कि अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की साजिश के पीछे चीन का हाथ है तो भारत सरकार को उन लोगों के साथ चीन के कनेक्शन की जांच करनी चाहिए जिन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले और बाद में क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर हंगामा किया था। इस महीने महेश जेठमलानी आरोप लगा चुके हैं कि चीन की एक लॉबिस्ट ने अदानी स्टॉक को शॉर्ट सेल करके भारी मुनाफा कमाया। जेठमलानी ने मार्क किंगटन की पत्नी अनला चैंग को साजिश का सूत्रधार बताया है जिसे चीन का जासूस तक कहा जा रहा है। पैसे आए उस फंड से मार्क एंड अनला और वो पैसे फिर पोजीशंस लिए गए अदानी के स्टॉक में। हिंडनबर्ग का जो भूमिका था वो सिर्फ ये था कि वो एक रिसर्च अदानी ग्रुप पर एक रिसर्च पेपर रिसर्च रिपोर्ट तैयार करे, उनके पूरे वर्किंग्स का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार करे जो इसका जो इन लोग ने रिलीज किया था ट्रेडिंग पोजीशंस लेने के बाद। वो बड़ा महत्वपूर्ण जाहिर है हिंडनबर्ग के चीन कनेक्शन का रहस्य अगर खुलता है तो और भी नए खुलासे हो सकते हैं। हिंडनबर्ग मामले में 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने पहले फैसले में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच से इनकार कर दिया था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।